कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सभी डरे हुए हैं। इसे बच्चों के लिए काफी खतरनाक माना जा रहा है, लेकिन अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उनमें युवाओं और बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। वहीं इनमें 10% से कम बच्चे ही कोरोना की चपेट में आए हैं। ये बात IGMC के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर राहुल गुप्ता ने कही। IGMC के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर राहुल गुप्ता ने कहा कि जब स्कूल खुले थे उस दौरान ही बच्चे पॉजिटिव आए थे, लेकिन जैसे स्कूल बंद कर दिए गए उसके बाद बच्चे घर पर ही हैं और सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि परिजन अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें और कोरोना नियमों का पालन करते रहें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल IGMC में ही सभी गंभीर मरीज रेफर होकर आते हैं, ऐसे में अस्पताल में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। थर्ड वेव है, अभी तक ये कहना गलत है कि थर्ड वेव आ चुकी है या आने वाली है। हम ये हमेशा ही बताते रहे हैं कि संक्रमण का फैलना ना फैलना ये लोगों के व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है। अगर लोग कोविड के नियमों का पालन करते हैं, जो कि मास्क का लगाना, 2 गज की दूरी रखना और भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचना, अपनी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना, जरूरी नहीं है तो घर से ना निकलना और हाथों की साफ सफाई रखना, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि लोगों में संक्रमण फैलेगा। और अगर आप पिछले 2 हफ्ते में देखो तो हिमाचल में जो है वो रोज लगभग 150 से 200 के बीच में केसेस जो है वो डिटेक्ट हो रहे हैं। तो जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो बीमारी है अब ये उतनी एक्यूट फेज में ना रह के इंडेमिक बन गई है। इंडेमिक बोलने का मतलब होता है जैसे स्क्रब टाइफस है, जब भी सीजन आता है तो स्क्रब टाइफस के केसेस पाए जाते हैं, वैसा ही शायद अब कोरोना से भी ऐसा मुझे लग रहा है कि होने वाला है या हो चुका है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण इसलिए भी है कि जो हिमाचल प्रदेश की जनता थी उसको सरकार ये बात समझाने में सफल रही है कि वैक्सीन का क्या जो उपयोग है लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए, और लोगों ने ये वाली बात सरकार की अच्छी तरह से समझी और उसी का नतीजा है कि आज की तारीख में जो वैक्सीनेशन है 18 साल से ऊपर वाले वर्ग की वो 104% के लगभग हिमाचल में हो चुकी है। तो वैक्सीन का मैं आप लोगों के माध्यम से फिर ये बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन का जो बेसिकली रोल है वो आपको बीमारी से तो नहीं बचाती, परंतु अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन की जो आपकी सीवियरिटी है, जो गंभीरपन है, वो गंभीरपन जो है वो कम हो जाएगा। और ये हमारे पास जैसे अभी 36 केसेस जो हैं वो IGMC में एडमिटेड हैं, तो सिर्फ 4 ही केसेस ऐसे हैं जो कि वेंटिलेटरी सपोर्ट पे हैं, तो बाकी जो है वो सामान्य ऑक्सीजन जो है उनको दी जा रही है और उसी से ही पेशेंट ठीक हो जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।